स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। सभी अभिभावक, शिक्षक और बच्चे जो सीबीएसई का नया रिवाइज्ड सिलेबस है इसको लेकर अगर परेशान हैं और कई सारी न्यूज़ आपको कई जगह से सुनने को मिल रही है, तो सीबीएसई ने एक नया प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है और ये सीबीएसई के वेबसाइट पर भी आपको मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि ये 8 जुलाई को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें सीबीएसई ने कुछ ऐसा कहा है कि जो जिसको लोग बता रहे हैं कि जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं, जो टॉपिक ड्रॉप किए गए हैं, जो टॉपिक बच्चों को नहीं पढ़ाए जाएंगे या कुछ इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं मीडिया के कई सारे लोग जो इसको सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस को अपने तरीके से जो समझते हैं वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल स्टूडेंट हैं, एक्चुअल जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उनको ये समस्या जा रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है या हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इस प्रेस नोट रिलीज जो की गई है इसमें इन्होंने बताया है कि हम जो सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई ने कहा है कि जो 9th से 12th क्लास के बच्चे हैं इनके सिलेबस में थोड़ा सा इसको रिड्यूस किया गया है, रेशनलाइज किया गया है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, रिड्यूस करना और रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करना, ठीक है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना। आपने मैथ में भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस देखी होगी। अब रिड्यूस करने का जो पर्पज़ था सभी को पता है, पैंडेमिक जो अभी चल रही है, जो महामारी चल रही है जिससे काफ़ी सारी दुनिया पूरी लगभग दुनिया के सभी लोग लगभग इससे प्रभावित हैं, मानसिक रूप से तनाव में हैं और क्लासेस चल नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवाने की कोशिश की जा रही है और सभी बच्चों का कहना है कि वी आर नॉट गेटिंग इनफ नॉलेज, इनफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस, बट स्टिल दे आर ट्राइंग। तो जब एक्चुअल क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में पूरी तरीके से सिलेबस का एग्ज़ाम लेना भी कठिन है और ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सीबीएसई ने अच्छा किया, 30% सिलेबस रिड्यूस किया। अब रिड्यूस करने का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि जो 30% टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द एग्ज़ाम स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन एंड प्रिवेंट लर्निंग गैप, ठीक है, लर्निंग गैप, हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन, इसको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ बनाई गई। द बोर्ड हैज़ क्लेरिफाइड दैट नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस इन द बोर्ड एग्जाम 2021। बोर्ड एग्जाम जो 2020 और 2021 में होगा, 2020-21 के सेशन में जो होगा उसमें से जो रिड्यूस सिलेबस है इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई ने इसको क्लियर किया हुआ है। द स्कूल हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू फॉलो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। शायद सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो सीबीएसई ने जारी किया था मिल गया होगा और लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर था या है जो चल रहा है उसमें इन लोगों ने, सीबीएसई ने ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया है कि टीचर्स को बाकी टॉपिक भी कवर करने होंगे। आल्दो एग्ज़ाम में भले ना कवर किए जाएं लेकिन उनको, बच्चों को इन्फॉर्मेशन उनकी देनी है, उनके बारे में उनको पढ़ाना है। पूरा अल्टरनेटिव कैलेंडर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये सीबीएसई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि therefore each of the topic that have been wrongly mentioned in the media as deleted have been covered under alternative academic calendar of NCERT। यानी जो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं तो टॉपिक हटाए नहीं गए हैं बल्कि अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो सीबीएसई स्कूल्स के लिए जारी किया गया है उसमें वो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं कि टीचर उनको पढ़ाएंगे, विच इज़ ऑलरेडी इन फोर्स फॉर ऑल द अफिलेटेड स्कूल्स फॉर द बोर्ड। यानी जो बोर्ड के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनमें ऑलरेडी ये जो पोर्शन है, ये जो फॉर्मेट है, ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ऑलरेडी ये रन कर रहा है, ऑलरेडी ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इट इज़ अगेन रिट्रीटेड दैट द टॉपिक बींग मेंशन इज ड्रॉप्ड आर एदर बींग कवर्ड बाई द रेशनलाइज सिलेबस और इन द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एनसीईआरटी। यानी यहाँ पर जो चीज़ चेंज की गई है, जो सिलेबस जिसको रिड्यूस किया गया है, ये सिलेबस एक्चुअली ड्रॉप्ड सिलेबस नहीं है। इसको इन लोगों ने दो तरीके से इसको इन्वॉल्व किया है, एक तो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में इन्वॉल्व किया है
और एक तो रैशनलाइज सिलेबस। रैशनलाइज सिलेबस का मतलब है कि एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम से तो हटाया गया है लेकिन उसको इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड किया गया है, यानी उसको बच्चों टीचर्स को फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में बच्चे कम पेपर, कम टॉपिक, कम चीज़ों को पढ़ के ही उसको अच्छे से एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को अपीयर कर सकते हैं, यानी कुछ जो टॉपिक उनके जो सब्जेक्ट में हैं जो हटा दिए गए हैं उनमें से उनको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो जो जो टॉपिक उनको दिए गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं को कवर करके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, CBSE घुमा फिरा के यही कहना चाहता है कि हम आपको पढ़ाएंगे पूरा लेकिन आपसे पूछेंगे कम। तो पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि हम आपको CBSE का कहना है कि हम आपको पढ़ाएंगे पूरा लेकिन आपको एग्ज़ाम हम सिर्फ मेन मेन टॉपिक से लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आया होगा और इसका जो पर्पस है वो भी आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर कोई इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए और हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।